दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ोनपे, यहाँ पर फ़ोनपे की मदद से हम किसी के बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आसान तरीके से। दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी बैंक के यहाँ पर अकाउंट में दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी भी फ्रेंड के अकाउंट में अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करना, देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है टू बैंक और यूपीआई आईडी का। तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टू बैंक आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर इसे चूज़ करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दो यहाँ पर अकाउंट नंबर पैसा ट्रांसफ़र किया। अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ पर बैंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर अगर बैंक का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, आपको जिस भी बैंक का अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र यहाँ पर करना है उस बैंक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर SBI बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है अकाउंट नंबर का, तो आपको जिस भी बैंक का अकाउंट में दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उस यहाँ पर अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो फटाफट से दोस्तों हम यहां पर जिस भी अकाउंट नंबर में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहां पर टाइप कर लेते हैं। जैसे आप यहां पर अकाउंट नंबर दोस्तों टाइप कर लेते हैं उसके बाद आपको यहां पर नीचे एक IFSC कोड टाइप करने को बोलता है, लेकिन आपको यहां पर टाइप नहीं करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहां पर नेक्स्ट, तो सिंपली आपको यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों हम यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहां पर ये ऑटोमेटिकली अपने जो जिस भी यहां पर व्यक्ति के नाम से जो अकाउंट नंबर होगा दोस्तों आपको यहां पर उसका नेम आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यहां पर सही नेम नीचे देखने को मिलता है तभी आपको यहां पर पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर जो नाम ही यहाँ पर आ चुका है, जो अकाउंट नंबर होता है उसका यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसेस टू पे पे नीचे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम प्रोसेस टू पे पे आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंटर अमाउंट की जगह जितने भी पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो आप यहाँ पर इंटर कर लेना। दोस्तों मैं उदाहरण के लिए दोस्तों अब यहाँ पर 10 रुपये टाइप करता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर जो पे का ऑप्शन देखने को मिलता है सिंपली आपको यहाँ पर पे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी बैंक खाते में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो ये आपके पास जो पैसा है वो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन का जो पासवर्ड होता है आपको यहाँ पर टाइप कर लेना। तो फटाफट से हम यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड होता है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, और जिसके बाद जो हमारा पैसा है यहाँ पर आसानी से फ़ोनपे की मदद से यहाँ पर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों आप भी यहां पर इसी तरह से अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन की मदद से किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।